हेलो एवरीवन। तो होली आने वाला है और मैं हर रोज़ कुछ न कुछ आप सभी के लिए होली में बनाने के लिए रेसिपी ला रही हूँ। और आज का जो रेसिपी है वो है चंद्रकला, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैं चीनी का सिरप बनाऊंगी, यानी कि चीनी का चाशनी। तो मैं यहाँ पे 4 कप चीनी और 2 कप पानी ले रही हूँ। आपको भी इसी रेशियो में लेना होगा, जैसे आप 2 कप चीनी ले रहे हैं तो 1 कप पानी लेंगे। और यहाँ पे मैंने हरी वाली इलायची का पाउडर डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से चीनी का चाशनी बना लेंगे। आप देख सकते हैं बबल यहाँ उठने लगा है। अच्छी तरह से चीनी को चला देंगे, चीनी मेल्ट होने लग गया है। सारा चीनी मेल्ट हो जाने के बाद एक करछी मैं डालूंगी दूध। दूध डालने से चीनी का जो चाशनी होता है वो साफ़ हो जाता है, देखने में बहुत ही अच्छा साफ सुथरा दिखता है। और दूध डालने के बाद इस तरह से आपको झाग आएगा, और झाग जब आए तो इस तरह से आप हटा दें। पर मेरे में झाग नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा चीनी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और बहुत देर पकाने के बाद इस तरह से हमें चेक करना है, तार अगर जब आने लगे, चीनी का चाशनी आप हाथों में लें और इस तरह से आप देखें, आप देख सकते हैं एक तार इसमें आने लगा है। जब इस तरह से एक तार आने लगे तो गैस को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद नींबू का रस थोड़ा डाल देंगे। आप चीनी का चाशनी जूस के लिए आप बनाना चाह रहे हैं तो नींबू का रस ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि चाशनी जो है वो जमता नहीं है, जमने नहीं देता है, वो चाशनी बरकरार रहता है। चाशनी हमारा तैयार है। अब मैं यहाँ पे मैदा छान रही हूँ। आप चाहे तो आटा में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गर्म मैं 2 करछी रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इस तरह से हाथों से आटा को मसल लेना है, मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको रिफाइंड ऑयल को सभी मैदा में। और इस तरह से मुट्ठी बांधकर आपको देखना है, और ठंडे पानी से मैं इसे गूंदूंगी। जैसे आप घर पे पूरी बनाते हैं उसी तरह से आपको आटा तैयार करना है गूंदकर। पूरी वाला आटा होना चाहिए, रोटी वाला आटा नहीं। हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है। अब छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी, बिल्कुल छोटा छोटा लोइया मैंने बना लिया है। और इस तरह से पूरी छोटा छोटा बेल लेना है आपको। मैंने यहाँ पे खोया लिया है, यानी कि मावा, और मैंने इसे बिल्कुल घर पर बनाया है। और ये टोटल 2 केजी का मावा बनकर तैयार है, यानी 2 लीटर मैंने दूध लिया है और 2 लीटर का ये मावा इतना बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से गोल गोल मावा को बना लेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और कटोरी में थोड़ा पानी। लोई को इस तरह से बेलकर पूरी आपको तैयार कर लेना है। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से इसे तैयार करें तो इस तरह से आप बेल सकते हैं। अगर आपका आटा चिपकने लगे तो यहाँ तेल लगा दें और तेल की सहायता से इसे बेल लें। पूरी हमारी बन चुकी है। अब इसके ऊपर जो हमने खोया यानी कि मावा तैयार किया है उसे इस तरह से दबाते हुए चिपटा बना देंगे, और इस तरह से एक पूरी के ऊपर रखेंगे, ये दूसरी पूरी के ऊपर। और ये रहा पानी, चारों तरफ से यहाँ पे पानी जरूर लगाएं, और इसके ऊपर दूसरा पूरी चिपका दें। इससे क्या होता है कि जब तेल में फ्राई करते हैं चंद्रकला को तो अलग अलग बिखरता नहीं है, पानी के कारण ये चिपक जाता है। और काफ़ी अच्छे से इसे चिपका दें। अच्छे से चिपका लेने के बाद इसे हाथों की सहायता से सांचा जैसा तैयार करना है। जब आप मार्केट में जाते हैं और चंद्रकला खाते हैं
तो वो भी चंद्रकला का जो शेप होता है सेम ऐसा ही होता है। तो मैं भी इसी तरह से बना रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप हाथों की सहायता से इसे तैयार करें और ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो चुका है। अगर आपको हाथों की सहायता से बनाने नहीं आ रहा है तो वो भी मैं बताऊंगी कि इस तरह से उसे बनाते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बनकर दूसरा वाला भी तैयार है। और अब मैं दूसरे तरह से बनाना सिखाऊंगी जो आपको हाथों की सहायता से नहीं आता है। तो एक आप इस तरह से कांटे का चम्मच लें और किनारे पे इस तरह से जोर से दबाते हुए डिजाइन डाल दें। देख सकते हैं इस तरह से आप बना लें अगर हाथों से बनाने नहीं आता है तो। मैंने यहाँ पे सारे चंद्रकला को शेप दे दिया है, गढ़ लिया है। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन चुका है। अब तेल को करेंगे गर्म, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया है। आप घी चाहे रिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग करें, सरसों तेल में नहीं बनाना होता है। और इसे बिल्कुल धीमे आंच पे आपको तलना है। धीमा आंच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि धीमी आंच पे तलते हैं तभी जाकर ये बिल्कुल क्रंची बनता है। अगर आप तेज आंच कर देते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। हमारा चंद्रकला तल चुका है और अब इसे तैयार किया हुआ चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद इसे निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने सारे चंद्रकला को निकाल लिया है। और आप इस तरह से 10 से 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। और जब आप खाएं तो खाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। तो खाने से पहले एक आप चंद्रकला लें और इस तरह से आपको तोड़ देना है। तोड़ लेने के बाद मैंने जो शुगर सिरप बनाया है चाशनी उसको इसके ऊपर डाल देना है और इसे चम्मच की सहायता से आपको खाना है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा सा होता है और इसके हर बाइट में एकदम भरपूर स्वाद होता है। तो आप भी इसे अपने त्योहारों में ज़रूर बनाएं। कहने को तो होली आने वाला है पर ये हर त्योहार में इसे आप बना सकते हैं, अपने मेहमानों को 10 से 15 दिन तक आराम से रख कर खिला सकते हैं। थैंक यू सो मच।